सो स्टूडेंट्स लेट्स पार्ट वन ऑफ क्लास थ्री सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑफ यूनिट फोर दूनिट्स नेम इज़ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूडे वी विल लर्न वट इज़ विंडोज़ वट इज़ विंडोज सेवन हाउ टू स्टार्ट विंडोज़ वट आर दम्पोनेट्स ऑफ विंडोज सेवन स्क्रीन हाउ टू री स्टार्ट एंड शट डाउन अंप्यूटर आज हम पढ़ेंगे विंडोज़ क्या है विंडोज सेवन क्या है हम विंडोज़ को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम कंप्यूटर को कैसे री स्टार्ट एंड शट डाउन कर सकते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं विंडोज सेवन स्क्रीन के ये आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नाउ व्हाट इज विंडोज विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विंडोज क्या है एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर के काम को कंट्रोल करता है जैसे कार में अगर इंजन ही ना हो तो क्या कार चल सकती है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो अगर डेस्कटॉप में या लैपटॉप में तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई काम नहीं करता है ना विंडोज़ के वर्जन्स है ये क्या है विंडोज़ सेवन विंडोज़ एट विंडोज़ टेन विंडोज़ अभी आगे जो भी आएंगे सो ये क्या है वर्जन है विंडोज़ के जैसे पहले हम मोबाइल में आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो राइट right? तो एंड्रॉयड का हमेशा अपडेट आता है मोबाइल में तो क्या होता है वर्जन अपडेट होता है नई चीज़ें ऐड होती है और वो वर्जन क्या होते हैं नए अपडेट होते जाते हैं तो नेक्स्ट नाउ विल लर्न व्हाट इज़ विंडोज़ सेवन विंडोज़ सेवन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सेवन क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाती है ऐसे सिस्टम है और किसने डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है ये एक कंपनी है वो इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जी आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज सेवन इन विच पिक्चर्स इमेज आइकॉन्स एंड मेनूज आर यूज टू गिव कमांड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पिक्चर इमेज और आइकॉन्स की मदद से हम कमांड दे सकते हैं मतलब कंप्यूटर को काम करने को बोल सकते हैं कंप्यूटर को कोई कमांड देना मतलब कंप्यूटर को कोई काम कहना जैसे ग्राफिकल मतलब अब देखो यहाँ पर स्टार्ट की देखते से ही पता चलता है कि हाँ ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर देखो कैलकुलेटर का पिक्चर दे रखा है तो कैलकुलेटर का पिक्चर देखते से ही हमें क्या पता चलता है कि ये कैलकुलेशन का, का काम करेगा तो ग्राफिकल यूज़र मतलब पिक्चर बेस्ड इमेजस बेस्ड कमांड्स होती है और यहाँ पर देखिए हम अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन करना है तो आप क्या करोगे कैलकुलेटर पे डबल क्लिक करोगे और कैलकुलेटर ऐप ओपन होगा तो विंडोज़ में क्या होता है माउस की मदद से हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ़ कीबोर्ड कीबोर्ड पे कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक सिंपल माउस क्लिक से हमें नेक्स्ट स्लाइड भी हम जा सकते हैं right? राइट नाउ स्टार्टिंग विंडोज़ सेवन अब विंडोज़ सेवन को कैसे स्टार्ट किया जाए आपने टर्न ऑन किया कंप्यूटर या लैपी पावर बटन ऑन किया जैसे ही ऑन किया फर्स्ट स्क्रीन क्या दिखती है वेलकम स्क्रीन और यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहा है ये आपका यूज़र आईडी है यहाँ पर अगर पासवर्ड डालते हो और इस एरो पर अगर राइट right क्लिक करते हो सॉरी इस एरो पर अगर लेफ़्ट क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखता है डेस्कटॉप स्क्रीन दिखता है इस जो पहली स्क्रीन आती है आफ्टर लॉग इन उससे हम क्या बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पर भी देखिए ये कंप्यूटर है मतलब यहाँ पर क्या हुआ है इस पिक्चर को देखते से ही क्या पता चल रहा है कि इस कंप्यूटर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी रिसाइकल बिन जैसे ये पिक्चर दिख रहा है तो उसे देखते ही हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर डस्टबिन जैसा पिक्चर दिख रहा है तो जो यूज़लेस थिंग है जो हमें यूज़ में नहीं आती है वो चीज़ें जो डिलीट हम करते हैं वो किस में जाती है रिसाइकल बिन तो विंडोज़ टोटली क्या है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है मतलब जो यूज़ कर रहा है उसको पिक्चर देखते से ही पता चलता है कि इस फंक्शन का इस एप्लीकेशन का क्या यूज़ हो सकता है

स्टार्ट बटन दिस इज़ द टास्क बार जो भी आप टास्क करते हो काम करते हो जो ओपन किया हुआ एप्लीकेशन है वो कहाँ दिखाता है टास्क बार में ये क्या है डेट एंड टाइम यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम दिखता है और अगर चेंज करना है तो यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए लेफ़्ट क्लिक करके आप यहाँ पर डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो दिस इज़ द नोटिफिकेशन एरिया अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ बैटरी दिखाता है कितना है यहाँ पर आपको वाईफाई दिखाता है अगर कनेक्टेड है कि नहीं इंटरनेट यहाँ पर आपका वॉल्यूम दिखाता है या फिर आपके सिस्टम में कोई अपडेट है विंडोज़ में कोई अपडेट है तो वो नोटिफिकेशन एरिया में दिखता है सेम डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अफियर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप टॉप ये पहली स्क्रीन है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो दिस आर कॉल्ड एज डेस्कटॉप आइकॉन्स टास्क बार इज द लॉन्गेस्ट बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द डेस्क द प्रोग्राम विच आर ओपन आर शोन इन द ट्क बार जो भी प्रोग्राम ओपन है वो कहाँ पर दिखते हैं टास्क बार में अगर कैलकुलेटर्स पे काम कर रहे हो एमएस एस पेंट पे काम कर रहे हो तो वो यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई देते हैं और यहाँ पर जो दिखते हैं वो प्रोग्राम बटन या टास्क बार आइकॉन कहते हैं हमें अब स्टार्ट बटन कंटेंस मेनू सब मेनू एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर कमांड स्टार्ट बटन में होता है मेनू होता है सब मेनू होता है टर्न ऑफ कंप्यूटर कमांड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नाउ नोटिफिकेशन एरिया स्मॉल आइकॉन्स दैट नोटिफाई यू अबाउट वर्क हैपनिंग इन कंप्यूटर जो भी आपके कंप्यूटर में काम हो रहा है वो नोटिफिकेशन एरिया में आपको दिखाता है सी दिस स्टार्ट हैज मेनू सब मेनू एंड कंप्यूटर टर्न ऑफ शट डाउन मतलब टर्न ऑफ कमांड नाउ अगर कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर हम देखते हैं एम एस पेंट हम कैसे ओपन करते हैं आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे फिर एक मेनू आएगा ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे फिर सब मेनू आएगा उसमें एसेसरीज पे क्लिक करोगे एंड देन पेंट करोगे और फिर पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा अगर ये भी नहीं करना है तो डायरेक्टली आप पेंट पर पे डबल क्लिक करो तो पेंट ओपन हो जाता है कोई भी एप्लीकेशन को बंद करना है ध्यान रखिएगा एनी एप्लीकेशन इफ़ यू वांट टू क्लोज यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस क्रॉस कोई भी एप्लीकेशन बंद करना है तो किस पे क्लिक करना होगा क्रॉस पे एंड बिफोर यू टर्न ऑफ़ योर कंप्यूटर मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी एप्लीकेशन इज़ क्लोज टर्न ऑफ कंप्यूटर करने से पहले कि देख लेना कि सारे एप्लीकेशन जो आपने खोले हैं वो क्लोज़ हो ना हाउ टू री स्टार्ट अ कम्प्यूटर यह रिस्टार्ट कैसे करते हैं हम कम्प्यूटर दैट वी विल सी नाउ री स्टार्टिंग द कम्प्यूटर मीन्स इट्स शट्स डाउन एंड स्टार्टअप अगेन इमिडिएटली मतलब कंप्यूटर क्या होता है ये अगर मैंने रिस्टार्ट किया तो कंप्यूटर शट डाउन टर्न ऑफ होता है और तुरंत इमिडिएटली मतलब तुरंत कम्प्यूटर ऑन हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे देन सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन शट डाउन एरो यहाँ पर शट डाउन पे क्लिक नहीं करना है इस एरो पर आपको क्लिक करना है कौन सा क्लिक करना है माउस को इंडेक्स फिंगर वाला जो क्लिक होता है दैट इज लेफ्ट क्लिक करोगे और फिर रीस्टार्ट पे क्लिक करके आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा री हो जाएगा मतलब एक बार बंद हो जाएगा और फिर तुरंत शुरू हो जाएगा नाउ शटिंग डाउन द कंप्यूटर शटिंग डाउन मतलब इनडिरटली कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ बंद कैसे करेंगे सिंपल है स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे देन शट डाउन पे क्लिक करोगे इस एरो पे हमें क्लिक नहीं करना है हमें डायरेक्टली शट डाउन पर क्लिक करना है यदि एरो पे भी क्लिक करते हो फिर क्लिक ऑन एरो देन सिलेक्ट द शट डाउन ओके दिस इज विंडोज एट प्रो स्क्रीन एंड दिस इज विंडोज सेवन स्क्रीन जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन दिस शट डाउन एंड कंप्यूटर विल बी टर्न ऑफ थैंक यू आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या कॉल कर कर मैम को पूछ लेना थैंक यू